नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कैशलेस की मुहिम में रेलवे अव्वल, 98% लेन देन हुआ डिजिटल। घातक प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर से वाहनों के लिए फिर सम योजना। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लोको पायलट के बगैर दौड़ा इंजन, बाइक से पीछा करने के बाद रोका गया। दिल्ली में घातक प्रदूषण को लेकर एनजीटी की अरविंद केजरीवाल सरकार को लता। बैठक बेनतीजा, पाटीदार आरक्षण पर नहीं बनी बात। कांग्रेस ने दिए हार्दिक पटेल को 3 विकल्प। राहुल गांधी बोले, मोदी जी की तरह लेक्चर देने में मुझे बरसों लगेंगे, मैं सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना चाहता हूं। शिवसेना का सहयोगी भाजपा पर कटाक्ष, 2019 में 800 सीटें जीत सकती है भाजपा। ओडिशा के संबल में ट्रेन के आगे कूदकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने खुदकुशी की, मृतकों में 4 महिलाएं। जगन्नाथ मंदिर के पास अभी भी है 18 लाख के पुराने नोट। नोट बदलने की तारीख खत्म होने के बाद दान पात्र से निकले नोट। भारतीय मूल की ब्रिटिश मंत्री प्रीति पटेल की निजी इसराइल यात्रा पर विवाद, देना पड़ा इस्तीफा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बम विस्फोट, अधिकारी समेत 3 मरे, तालिबान ने ली विस्फोट की जिम्मेदारी। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।